एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रोशेट से बहुत ही प्यारा सा टोपी का चंदा जो है ऊपर का पार्ट। आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। ये मैंने कॉटन का धागा लिया है, क्रोशिया हुक हमने लिया है 1.3 mm का। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगा लें। स्लिप नॉट लगाने के बाद हमने इसके अंदर 6 चेन डालनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 चेन डालने के बाद हमने इसे स्लिप स्टिच से, सॉरी, 1 चेन में हमने इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना इस तरह से। अब हमने 3 चेन बनाना, 1, 2, 3 चेन बनाया। 3 चेन बनाने के बाद इस जो छोटा सा रिंग बनाया है उसके अंदर हमने 20 डबल क्रोशिया बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से हमने इसके अंदर छोटू रिंग के अंदर 20 डबल क्रोशिया बनानी है। मैं इसे कंप्लीट करने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। 3 चेन को हम डबल क्रोशिया काउंट नहीं करेंगे। ये देखिए हमारा फर्स्ट रो जो है कंप्लीट हो गया, 20 चेन डबल क्रोशिया हमने बना लिया। इसके फर्स्ट चेन में हमने इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना। देखिए 3 चेन बनाना है, सेकंड रो 3 चेन बनाया। नेक्स्ट चेन के अंदर हमने 1 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 डबल क्रोशिया। उसके नेक्स्ट चेन के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1, 2। फिर से उसके नेक्स्ट के ऊपर 1, और उसके नेक्स्ट के नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमारा सेकंड रो है, तो मैं इस सेकंड रो को इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है, 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए। पहले वाले में एक में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 डबल क्रोशिया बनाना है, और दूसरे वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। यार इसके हम बढ़ाते हुए इसे हम कंप्लीट करते हैं। मैं इसे कंप्लीट करने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए ये रो भी हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चेन में से सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच से जोड़ देना। देखिए हमने 3 चेन बनानी है, फिर से 1, 2, 3 चेन बनाया। इसे काउंट नहीं करना है। उसके बाद वाले में हमने 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1, 2, 3, 6 डबल क्रोशिया, 1 चेन। 1 चेन को स्किप करना है। नेक्स्ट चेन के अंदर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर से 1 चेन। 1 चेन को स्किप करना है। नेक्स्ट चेन के अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1, 2, 3। बस हमें ध्यान जो है यहीं पर देना है, यहाँ पर। इसकी थर्ड रो में आपको ध्यान देना है। थर्ड रो में ध्यान देंगे तो फिर आगे पूरा आपका सही बनता जाएगा। 1 चेन, 1 चेन को स्किप करना है। नेक्स्ट चेन के अंदर हमें 1 डबल क्रोशिया, फिर से 1 चेन, और 1 चेन को स्किप करना है। नेक्स्ट चेन के अंदर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 1, 2, 3। इस तरह से हमने इसे बनाना है। मैं इस रो को कंप्लीट करने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। हमारा सेकंड रो कंप्लीट हो गया। अब हमने थर्ड रो बनाना है। थर्ड रो कैसे बनाना है? 3 चेन बनाया। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1, 2। उसके नेक्स्ट चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, 1, 2। सेम स्पेस पे टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। 1 चेन, 1 चेन को स्किप करना है। नेक्स्ट चेन के अंदर हमने 1 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर से 1 चेन। 1 चेन को स्किप करना है। नेक्स्ट चेन के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1, 2। उसके नेक्स्ट चेन के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया, टोटल हमारा यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाना है 2 चेन में। देखिए इस तरह से फिर से 1 चेन, 1 चेन बना के 1 चेन को स्किप करना। नेक्स्ट चेन के अंदर हमने इसे 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 चेन को स्किप करना। नेक्स्ट चेन के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 और ये 2। टोटल हमें यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनानी है। नेक्स्ट चेन के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया, 1, 2। तो इस रो को हमने इसी तरह से रिपीट करते हुए बनाना है। टोटल हमारा ये जो जाल है 6 बार आना चाहिए, 6 बार। ये 2 हुआ है, 4 हमें और बनाना है। मैं इसे बनाने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए ये रो हमारा कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच से यहाँ पे जोड़ दिया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 जाल बन गया हमारा। अब हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है, 2, 3, 4, 1 चेन। इसके अंदर हमने 1 जाल बनानी है, फिर से 1 चेन। ये 2 हो गया,
वन चेन, वन डबल क्रोशिया को स्किप करना, उसके ऊपर हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बनानी। ये थ्री डबल क्रोशिया हो गया हमारा, फिर से हमने फोर डबल क्रोशिया, टू थ्री फोर डबल क्रोशिया बना, वन चेन, इसी स्पेस में हमने वन डबल क्रोशिया, वन चेन, वन डबल क्रोशिया, जाल बन गया, फिर से वन चेन, और ये फर्स्ट चेन के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनानी है, वन टू थ्री फोर, इस तरह से हमने यहाँ पे बढ़ता जाएगा जाल, वन चेन, देखिए इस जाल के अंदर हमने वन डबल क्रोशिया बनानी है, वन चेन, वन डबल क्रोशिया, वन चेन, वन डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया के ऊपर बनानी है, यहाँ पे हमें फोर डबल क्रोशिया, तो रिपीट करें, फोर डबल क्रोशिया, थ्री फोर, देखिए इस तरह से वन चेन, वन चेन, इस तरह से हमने इस रो को कंप्लीट करना है। मैं इस रो को कंप्लीट करने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमारा ये जो है बढ़ रहा है यहाँ पर, फिर से हमने यहाँ पे आगे इसको बढ़ाते हुए वन टू थ्री चेन बनाया, फोर डबल क्रोशिया के ऊपर हमने फोर डबल क्रोशिया बनानी है, वन टू थ्री फोर, वन चेन, वन चेन बनाने के बाद ये जो जाली है उसके अंदर हमने जाल बनाना है, यहाँ पर वन, फिर से वन चेन, नेक्स्ट जाल के अंदर जाल बनाना, टू वन चेन, फिर से जाल, थ्री वन चेन, और ये डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाते हुए, जाली बनाते हुए डबल क्रोशिया बनाना है, यहाँ पे बढ़ भी जाएगा और एक जाल भी हो जाएगा, और फिर से हमने फोर डबल क्रोशिया जो है रिपीट करनी है, तो ये वन डबल क्रोशिया, टू थ्री फोर, वन चेन, और जाली के अंदर हमने जाल के अंदर जो है बस जाल बनाते हुए हम अपने चांदे को तैयार करेंगे। इसकी लंबाई जो है कम से कम हमें अगर अडल्ट का बना रहे हैं तो 13 इंच 12 इंच चौड़ाई इसकी रखनी पड़ेगी विड्थ। तो मैं इसे कंप्लीट करने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। बस इसी तरह से इसमें जाली बढ़ाते हुए इसको बनाते जाना है, और इसमें कुछ भी नहीं करना, एक एक जाली जो है हर बार में यहाँ पर बढ़ता जाएगा। वन चेन बनाना है और जाली के ऊपर जाली बनाना है, वन चेन, जाली के ऊपर जाली, देखिए वन चेन, और ये फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक जाली जो है माना बढ़ता जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा ये चांदा बनेगा। मैं इसे कंप्लीट करने के बाद आपको आगे मिलती हूँ। ये हमारा चांदा बनके बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आप हमारे चैनल को पहली बार देखें तो प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें।